एक राजा ने अपने मंत्री से चार वस्तुएं मांगी। पहली है और है, दूसरी है और नहीं है, तीसरी नहीं है पर है, चौथी नहीं है नहीं है। राजा का ये आदेश सुनकर मंत्री परेशान हो गया, पर कहे भी तो क्या, राजा तो राजा ठहरा। मंत्री भी बुद्धिमान ठहरा। उसने अगले दिन चार व्यक्ति राजा के सामने उपस्थित किया, एक धर्मात्मा सेठ, एक वैश्या, एक साधु और एक बहेलिया। उन सभी को देखकर राजा ने प्रश्न किया कि ये सब यहाँ क्यों हैं। तब मंत्री ने कहा कि आपने चार वस्तुएं जो मंगाई थी वो यहीं उपस्थित है। पहला वस्तु है और है, वह यह धर्मात्मा श्रेष्ठ है। इनके पास धन है, सुख है, जिसके कारण ये यहाँ पर भी पुण्य कर्म करते हैं और परलोक में इनके पुण्य फल से इन्हें सुखी मिलेगा। दूसरी वस्तु वैश्या है और नहीं, यहाँ इसको धन है, सुख है, किंतु ये सब पाप से उपार्जित होने के कारण परलोक में इसे कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ेगा। तीसरी वस्तु है नहीं है पर है, वह है यह साधु, यहाँ पर इनके पास कुछ नहीं है, परलोक में इनके सत्संग और पुण्य के कारण इन्हें सुख ही सुख है। तीसरी वस्तु है नहीं है नहीं है, वह है यह बहेलिया, यहाँ पर भी यह कंगाल है, यह प्राणियों को मारकर पेट भरता है और परलोक में इस पाप के कारण इसे और भी दुर्गति होगी। राजा यह उत्तर पाकर एकदम संतुष्ट हो गया। आपकी इस बारे में क्या राय है?